नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अपने टेस्ट सीरीज की कड़ी में टू बी कंटिन्यू 28 अक्टूबर 2018 को जो सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर आयोजित हुआ था, आज उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों आइएगा, देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। दोस्तों अबुल फजल की बात आ रही है और अबुल फजल ने कहा है और ये दुर्ग है कुंभलगढ़ के बारे में। दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके अंदर भी दुर्ग है कटारगढ़। उत्तर होगा कुंभलगढ़, दो नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में कौन सी देशी रियासतें शामिल की गई थी? दोस्तों नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पे अपन छाट लेंगे इसको। देखो 25 मार्च को यानी कि दूसरा चरण की बात कर रही है और दूसरा चरण में है बाबू कीको झाड़ू प्रेशाटो। ये दोस्तों इसका सूत्र है, अब आपके सामने आ जाएंगे। इसमें बांसवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, किशनगढ़ हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सापुरा हो गया और टोंक हो गया। इन रियासतों को छोड़े तो आप इसमें ऑप्शन देखिएगा, उदयपुर कहीं नहीं है। तो तीन नंबर में उदयपुर लिख रखा है, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा तीन नंबर। और आइएगा दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। आइएगा दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे? दोस्तों वीरगति को प्राप्त हुआ वीर कल्ला जी, जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये वीर कल्ला जी थे। इनको चार हाथों वाला देवता कहा जाता है और वीर कल्ला जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला सवाल है दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक गोविंद गिरी और गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी और गोविंद गिरी इसका उत्तर होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि संप सभा का एक अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर किया जा रहा था। ये मानगढ़ पहाड़ी पड़ती है दोस्तों बांसवाड़ा में। और आपको याद होगा कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा के अधिवेशन के लिए भी लोग इकट्ठे हुए थे, उन पर गोलियां चला दी गई थी और मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दोस्तों पाँच नंबर का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, सम्मिलित करना है। दोस्तों पहले में सिर पर दोस्तों मेमंद पहना जाता है, मेमंद, और गला पर दोस्तों हसली पहनी जाती है, हसली। कमर पर दोस्तों कणकती यानी कि तगड़ी टाइप में आती है और पैर में दोस्तों रमझोड़ पहनी जाती है। तो इसका उत्तर होगा चार नंबर, सिर पर मेमंद, गले में हसली, कमर पर कणकती और पैर में रमझोड़ पहनी जाती है। दोस्तों चार नंबर उत्तर होगा मित्रों। उसके बाद में छः नंबर सवाल की, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी कि 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा राजा मानसिंह जयपुर का शासक था जो कछवा वंश से संबंधित है और इसका उत्तर होगा तीन नंबर। रूठी रानी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक उमादे जैसलमेर रियासत का एक राजा था लूणकरण और इस लूणकरण की बेटी थी उमादे। ये उमादे
मारवाड़ के राजा मालदेव को ब्याही थी दोस्तों। मालदेव, मालदेव के साथ में विवाह हुआ था। कहा जाता है कि मालदेव उमादे के साथ आई हुई दासी पर मोहित हो गया, इस कारण से उमादे रूठ गई थी दोस्तों, और रूठ करके हमेशा के लिए चली गई, कभी वापस नहीं आई, और इसका उत्तर होगा उमादे। अगला सवाल है दोस्तों, ये लगभग सेकंड ग्रेड में फिक्स है मित्रों, सुमेलित करने का संप्रदाय और उनके प्रवर्तक का, 8 नंबर का सवाल है, इसका उत्तर होगा दोस्तों देखिएगा, सिंहथल को सेकंड नंबर से मिलाओ दोस्तों, सिंहथल को सेकंड नंबर से, संत हरिदास जी सिंहथल, और रेण होगा दोस्तों 4 नंबर, दरियाव जी, दरियाव जी, और खेड़ापा होगा दोस्तों, खेड़ापा होगा संत रामदास जी, और शाहपुरा में संत रामचरण जी, यानी कि सिंहथल में रामस्नेही संप्रदाय संस्थापना की थी हरिदास ने, रेण में दरियाव जी, ये रीट में भी आया था पिछली में, और खेड़ापा में रामदास जी, शाहपुरा में रामचरण जी, इसका उत्तर 2 नंबर होगा दोस्तों। बादशाह का प्रसिद्ध मेला दोस्तों ब्यावर में लगता है, ब्यावर में। अगला प्रश्न है, पुस्तक दे रखा है, एक तरफ उनके लेखक दे रखे, और इसका उत्तर देखिएगा दोस्तों, हमीरहट, हमीरहट हमीरहट में 1 नंबर दोस्तों, पद्मनाभ। दोस्तों नहीं, पृथ्वीराज विजय डी में दोस्तों 3 आएगा, जयानक आएगा, और कानड़ दे प्रबंध सी में दोस्तों 4 नंबर आएगा, और हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी की है दोस्तों, और हमीरहट चंद्रशेखर की है दोस्तों, इसका उत्तर होगा 4 नंबर, 4 नंबर सुमिलित नहीं है दोस्तों। पहला ये आपको पता है कि क्लासेज में पढ़ाता हूँ, घग्गर पढ़ाता हूँ, तो घग्गर के नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, आयड़ नदी के किनारे गणेश्वर राइट बात है, सीकर में कांतली नदी के किनारे, बैराट राइट बात है, जयपुर ये बाणगंगा नदी के किनारे, और इसका उत्तर होगा कालीबंगा चूरू में नहीं दोस्तों, चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में होगी, हनुमानगढ़ में, और कौन सी नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे होगी दोस्तों। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाया जाता है दोस्तों, घुड़ला नृत्य होगा मारवाड़ का, मारवाड़ का घुड़ला नृत्य है। कहा जाता है कि एक मुसलमान मारवाड़ की स्त्रियों को पकड़ करके ले गया था, तो मारवाड़ का शासक गया और उस मुसलमान के सिर में छेद कर दिया था, तो ये घुड़ला नृत्य होता है मटके में छिद्र करके और उसमें रोशनी करके फिर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था मित्रों, नहीं था बिल्कुल दोस्तों, विजय सिंह पथिक था, सीताराम था और माणिकलाल वर्मा था, छगनलाल चौपासनी मारवाड़ का था जो इससे संबंधित नहीं था दोस्तों। उसके बाद में कांग्रेस ने संघर्ष किस अधिवेशन में देशी राज्यों से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, कांग्रेस ने देशी राज्य का मतलब हो गया कि जो अपने राजा थे उनमें दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन था 1938 और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हुआ था दोस्तों। आपको बता दूं कि किशनगढ़ अजमेर के पास में एक रियासत हुआ करती थी, और इसका एक राजकुमारी थी इसकी, जिसका नाम था चारुमती। औरंगजेब इस चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती औरंगजेब से नहीं करना चाहती थी,
तो इसने सोचा कि यार राजपूताना में इतना बड़ा राजपूताना महाबली शक्तिशाली राजा है, तो कोई तो मेरी रक्षा कर सकता है। तो चारुमति ने एक समाचार भेजा राज सिंह के पास में, और राज सिंह विवाह के लिए राजी हो जाता है और इसके साथ में विवाह करता है चारुमति के, जिस कारण से औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने शासकों ने किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार इसका उत्तर होगा। और त्रिपक्षीय विवाद हुआ था कन्नौज पर अधिकार के लिए चंदेल, परमार और गुजर प्रतिहारों के मध्य। अगला सवाल है दोस्तों, खानवा का युद्ध, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह, जिसका नाम है सांगा, जो इतिहास में प्रचलित नाम है सांगा, तो सांगा ने क्या किया कि भाई सेना में शामिल कौन नहीं था? हकीम खां सूर नहीं था दोस्तों, हकीम खां सूर तो प्रताप की सेना में था, महाराणा प्रताप की सेना में थे। बाकी लोधी था, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था जो मारवाड़ का था, और यह हकीम खां सूर नहीं था। और खानवा का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 को, ओके, मार्च में खानवा का युद्ध हो जाता है, खानवा का युद्ध मार्च 1527 में होता, बयाना का फरवरी में हुआ था दोस्तों, सॉरी। उसके बाद में मंदिर, और मंदिर को सुमिलित नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, ये भी बता दूं आपको, राजसमंद झील के किनारे है, राजसमंद झील है उसके किनारे द्वारकाधीश जी का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर, बिल्कुल राइट बात है, भीनमाल में है दोस्तों, भीनमाल में है। और आई माता का बिलाड़ा जोधपुर में है, और ज्वाला माता का जोबनेर में है दोस्तों, जोबनेर में, ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर, और ये जोबनेर पड़ता है दोस्तों जयपुर में। और फिर तलवाड़ा दे रखा है, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा में यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। 18 नंबर का सवाल है दोस्तों, इनको क्रम से लगाना है, गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी, दीपावली और गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है, चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है। सबसे पहले डी आएगा, इसका मतलब दो आंसर तो कट हो गए, आपका चौथा या पहला होगा। उसके बाद में दोस्तों गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर उसके बाद में दीपावली आती है, और इसका उत्तर होगा 19 नंबर का दोस्तों, एक नंबर, पहले गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली, ये क्रम आएगा दोस्तों। पिछवाई चित्रकला दोस्तों नाथ द्वारा की है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया जाता है वो पिछवाई होता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों सर्वाधिक घनत्व ये पूछा गया है किसके बारे में, निम्न में से, यानी कि लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 21 की बात है, वर्तमान में आंकड़े सारे चेंज हो गए, इसका उत्तर आएगा पांडिचेरी। उसके बाद में बिरला सीमेंट वर्क्स कारखाना कहाँ पे स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में स्थित है, निम्बा हेड़ा में, इसका उत्तर होगा निम्बा हेड़ा। दोस्तों राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और राजस्थान की 23:03-23:12, बहुत ईजी सा सवाल है, आपको सबको ज्ञात है कि 23:03 से बांसवाड़ा का बोरखड़ा स्टेट होता है, और उसके बाद में गंगानगर के कोणा गांव तक 30:12 तक पाया जाता है, तो 23:03 से 30:12 उत्तर, दोस्तों तीन नंबर उत्तर सही होगा, 23:30 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30:12 उत्तरी अक्षांश के मध्य होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सीमा गुजरात से नहीं लगती, दोस्तों सीमा गुजरात से नहीं लगती, इधर ही ये राजस्थान,
यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये है जी। तो सिरोही भी टच हो रहा है, डूंगरपुर भी टच हो रहा है, प्रतापगढ़ नहीं हो रहा है और बांसवाड़ा हो रहा है। तो किस किस की सीमा लगती है? 1, 2, 4, 1, 2, 4 उत्तर नंबर 3। सोम, सोम दोस्तों उदयपुर जिले में बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल करके और नवाटापुरा में अपना पानी माही को दे देती है। तो क्या कहा कि किसकी सहायक नदी है, पानी किसको दे रही है? माही को। तो सहायक नदी किसकी हुई? माही की। तो उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 थीम क्या थी? दोस्तों इसका उत्तर तो होगा 3 नंबर, लेकिन आपको याद रखना है 2022 की थीम। अगला है जल महल, जल महल दोस्तों जयपुर में है, जिसको आई बोल भी कहा जाता है, पांडुपोल अलवर में है, लूणकरण सर बीकानेर में है, फतेह सागर उदयपुर में है। तो इसका सुमेलित उत्तर होगा दोस्तों 27 नंबर सवाल का, आपका उत्तर होगा 1 नंबर। जल महल जयपुर, पांडुपोल अलवर, लूणकरण सर बीकानेर, फतेह सागर उदयपुर। अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? बाल यानी कि 0 से 6 वर्ष तक का ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा सर 919 वर्तमान में, 919 है। वैसे ये इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, वर्तमान में ये 888 माना जा रहा है, आरएस प्री में पूछा गया सवाल था। गाय की नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल नहीं है ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और बागड़ी गाय की नस्ल नहीं होती है, बागड़ी गाय की नस्ल नहीं है, ये बकरी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। अगला सवाल है, पवन की दिशा में विचलन किस कारण से होता है? दोस्तों पवन की दिशा बदलती है तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी घूमती है तो दिशा बदलती है। दोस्तों ये 30 प्रश्नों को लेकर के आज हम आए हैं, अगला वीडियो आएगा अपने अगले टॉपिक में, उसके लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।